हेलो एवरीवन, माय सेल्फ बीसी साहू, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग मेरा चैनल बहुत दिन से देख रहे हैं, उसमें से कोई मेरा व्यूअर एक क्वेश्चन पूछे थे कि हाउ टू कंट्रोल रिम फ्रेम ब्रेकेजेस, तो उसको हम डाउट क्लियर करना चाहते हैं और इसीलिए आज ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप लोग देखिएगा इसको, और कोई फिर भी डाउट रहे तो मेरे को बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हाउ टू कंट्रोल रिम फ्रेम ब्रेकेजेस। रिम फ्रेम जो ब्रेकेजेस होता है, हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं 3% तक, तो 3% से ऊपर होता है तो इसको खराब माना जाता है ब्रेकेज। वो ब्रेकेज कैसे अपन स्टैंडर्ड ब्रेकेज की नीचे नीचे रखेंगे, उसके लिए कई सारी फैक्टर है। आपको एक एक चीज़ मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, तो पेट्रोल ब्रेकेज बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है रिम फ्रेम ड्राफ्ट। जो टोटल ड्राफ्ट होता है रिम फ्रेम में, 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 30, 32 अप टू 35 तक बहुत बढ़िया है। जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा ड्राफ्ट जोन में वाइब्रेशन होगा और अपना रिम फ्रेम का ब्रेकेज बढ़ता है, तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपन ज़्यादा ड्राफ्ट बिल्कुल 40 के ऊपर तो जाना नहीं। दूसरा पॉइंट रहा रिंग ट्रैवलर। रिंग ट्रैवलर ऐसा चीज़ है, अपन छल्ला जो होता है, रिंग ट्रैवलर को छल्ला भी बोलते हैं कोई कोई, तो वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, अपन कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं। मतलब कॉटन चला रहे, पॉलिस्टर चला रहे या दूसरा विस्कस चला रहे, तो यान की स्ट्रेंथ वो मटेरियल के ऊपर, और TM क्या यूज कर रहे हैं, और स्पिंडल स्पीड क्या यूज कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से अपन छल्ला का प्रोफाइल और छल्ला का नंबर चॉइस करते हैं। जैसे कटन समझ लीजिए, कटन में 30 काउंट में हम 40 डालते हैं, 40 U1 UM यूडिया डालते हैं, तो 40 काउंट लेंगे तो 60 70 लग जाएगा। जितना फाइन काउंट होगा उतना हल्का छल्ला डालेगा। और जैसे उसी केस में पॉलिस्टर का चलाते हैं, तो उसमें पॉलिस्टर में 3-4 नंबर भारी डालना पड़ता है कटन से। लेकिन वो छल्ला जो होता है रिंग ट्रैवलर, वो डिपेंड करता है आपकी ये सारी चीज़ में, कौन से मटेरियल चला रहे हो, मटेरियल का यान स्ट्रेंथ क्या है, और TM क्या यूज कर रहे हैं, और स्पिंडल स्पीड क्या ज़रूरत है, मतलब कितना अपन टारगेट स्पिंडल स्पीड है, उसके हिसाब से अपन को छल्ला का नंबर बराबर सूट करना पड़ेगा, तब जाके ब्रेकेज कम रहेगा। नहीं तो हल्का या भारी छल्ला दोनों ही ब्रेकेज बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट हुआ बटम रोल और सैडल गेज। अपना फाइबर की लेंथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, मटेरियल कौन सा टाइप है, बटम रोल गेज और सैडल गेज अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। समझ लीजिए बटम रोल गेज बिल्कुल टाइट कर दिए तो अनड्राफ्टेड आ जाता है, ब्रेकेज बढ़ता है। तो फाइबर के हिसाब से अपन को लेंथ, टेनासिटी, मटेरियल के ऊपर अपन को बटम रोल गेज बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो ब्रेकेज कंट्रोल करता है। ब्रेक ड्राफ्ट, ब्रेक ड्राफ्ट एक मेजर रोल करता है ब्रेकेज में। अगर आपकी ब्रेक ड्राफ्ट समझ लीजिए कम हो गया, तो उस पर अनड्राफ्टेड आएगा, ब्रेकेज बहुत बढ़ जाएगा। ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा हो जाएगा वो भी ज़रूरत नहीं है, ब्रेक ड्राफ्ट कम से कम रख के फिर अपन बटम रोल गेज से एडजस्ट कर सकते हैं। लोग ब्रेक ड्राफ्ट बिल्कुल कम से कम से रखे ताकि अनड्राफ्टेड ना आए। और ब्रेक ड्राफ्ट के लिए सबसे ये चीज़ है, आज पर फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर का कितना स्ट्रेंथ है, जिसको बोलते हैं टेनासिटी, मटेरियल टाइप, मटेरियल कौन सा है, कॉटन है, सिंथेटिक है, डायड है, ग्रे है, उस हिसाब से अपन ब्रेक ड्राफ्ट रखते हैं। जैसे कटन में अपन ब्रेक ड्राफ्ट 1.14 तक रखते हैं, बढ़िया चलता है। सिंथेटिक चलाएंगे 1.1820 तक, तो रिसाइकल चलाते हैं उसमें भी 1.25 तक भी चले जाते हैं। तो ब्रेक ड्राफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अपन को सेट करना पड़ता है। और सबसे और एक चीज़ है बैक प्रोसेस का जो ट्विस्ट, जो बैक प्रोसेस ऊपर पीछे का मटेरियल, जो रोबिंग मटेरियल का ट्विस्ट भी खुलने के लिए ब्रेक ड्राफ्ट काम आता है। तो
तो समझ लीजिए ब्रेक मटेरियल का ट्विस्ट अपन ज़्यादा दिए तो ब्रेक ड्रैप थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है, नहीं तो ब्रेकेज बढ़ता है, अनड्रैप्टेड रहता है। और बॉटम रोल गेज जैसे अपन वाइड साइड का गेज रखे तो ब्रेक ड्रैप कम होगा, चल जाएगा। अगर बॉटम रोल गेज अपन ऑलरेडी टाइट रखे तो इसमें ब्रेक ड्रैप अपन को बढ़ा के रखना पड़ता है। ये सारी फैक्टर ब्रेक ड्रैप के ऊपर डिपेंड करता है। पांचवा पॉइंट हुआ रिंग या स्पिंडल सेंटरिंग। रिम फ्रेम जब चलता है दिन रात तो उसमें अपना क्या करते हैं, रिम फ्रेम का गेज आउट हो जाता है कभी कभी, स्पिंडल मतलब बैलेंसिंग नहीं होता है, मतलब सेंटर में नहीं रहता है रिंग का, उसमें क्या होता है तो बेलोनिंग होके फटता है और ब्रेकेज होता है, और रिंग टच भी होता है, रिंग टच होके धागा खराब होता है, ब्रेकेज भी बढ़ता है। तो जब LMW रेटर का रिंग फ्रेम अपन लगाते हैं तो रिंग सेंटरिंग होता है, उसमें रिंग का गेज होता है। अगर KTTM का रिंग फ्रेम अपन लिए हुए तो उसमें अपन को स्पिंडल सेंटरिंग होता है। तो ये कम से कम 6 महीना 8 महीने में एक बार स्पिंडल सेंटरिंग या रिंग सेंटरिंग हो जाना चाहिए, तब जाके ब्रेकेज कंट्रोल रहता है। और ज़्यादा ब्रेकेज है कभी कभी तो जल्दी भी कर सकते हैं सेंटरिंग, कोई नुकसानदायक नहीं है, बढ़िया रहता है। और छठा पॉइंट रहा फ्लाई कैचर सेटिंग। फ्लाई कैचर क्या होता है, रिंग का पीछे की साइड में एक लोहे का पत्ती जैसा रहता है, रिंग ट्रैवलर में जो फ्लाई रहता है इसको साफ करता है। तो उसका सेटिंग कभी कभी बिल्कुल टाइट हो जाता है ना, तो रिंग ट्रैवलर उसमें अटक अटक के चलता है तो उसमें ब्रेकेज बढ़ता है, या बिल्कुल ढीला हो जाता है या खुल जाता है तो उसमें फ्लाई रिंग का साथ जाता रहता है, ब्रेकेज बढ़ता है। तो उसको फ्लाई कैचर सेटिंग जो होता है कौन सा मटेरियल टाइप का है, उसका बल्किनेस कैसा है, मतलब पूरा बल्की है या पूरा टाइट रहता है धागा कम बल्क का, तो उसको लेके अपन फ्लाई कैचर सेटिंग करते हैं। एक ध्यान में रखिए जैसे कोर्स काउंट है, अपन 10 काउंट 12 काउंट 15 काउंट चलाते हैं तो 2.5 mm का फ्लाई कैचर सेटिंग रहता है, फ्लाई कैचर टू रिंग सेटिंग रहेगा 2.5 mm। मीडियम काउंट है तो अपन 2.2 mm रखेंगे, फाइन काउंट होगा तो 1.8 mm रखेंगे। इस हिसाब से फ्लाई कैचर सेटिंग अगर रखेंगे अपन तो ब्रेकेज अपना बहुत कंट्रोल रहेगा और छल्ला भी बहुत दिन जाएगा, छल्ला लोड नहीं होगा, अपन को ब्रेकेज कंट्रोल करने में इसका भी बहुत फायदा रहता है इससे। हाउ टू कंट्रोल रिंग फ्रेम ब्रेकेज का, उसका 7वां पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 7th पॉइंट, अपन 6 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। 7वां पॉइंट है मशीन क्लीनिंग। जो रिंग फ्रेम मशीन का ब्रेकेज कम करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ड्रॉप जोन क्लीनिंग, लिफ्टिंग टेप क्लीनिंग, जॉकी पुली, ब्रेक्स, टॉप क्लियरर और ओवरहेड एनी टाइम चालू रहना चाहिए। मशीन जितना साफ सफाई रहेगा उतना ब्रेकेज कम रहेगा। इसको सफाई का जो सिस्टम है, कारीगर लोग को साइड अलर्ट किया जाए और अपनी अपनी मशीन का सफाई करके जाए, तो जितना बढ़िया सफाई हो अच्छा रहेगा, ब्रेकेज कम रहेगा। इसको काउंटर चेक करने के लिए अपन सारी सफाई का काउंटर चेक करने के लिए SQC का पर्सन को अपन चेकिंग में लगा के ग्रेडेशन दे सकते हैं, जैसे ए ग्रेड है बहुत बढ़िया, बी ग्रेड पुअर है, सी ग्रेड वेरी पुअर है। अगर किसी मशीन में बी ग्रेड सी ग्रेड आया तो फिर से दोबारा सफाई करके कारीगर जाएगा, ताकि ये ब्रेकेज कम करने में मदद रहेगा। 8वां पॉइंट है स्पेसर। स्पेसर जो होता है अपना बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए है, जैसे स्पेस रनिंग मशीन में स्पेसर कभी कभी जाम लगता है मशीन में, गिर जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, या मिक्स्ड प्रेशर भी लग जाता है, तो मिक्स्ड का मतलब दूसरा साइज का लग जाता है, दूसरा साइज का लग जाएगा तो वर्किंग में प्रॉब्लम आएगा, स्पेसर नहीं रहेगा, अनड्रैप्टेड आएगा। तो स्पेसर रेगुलरली चेक होना चाहिए, मशीन नंबर वाइज बांट दिया जाना चाहिए हर शिफ्ट में, और अपना अपना मशीन स्पेसर चेक करके जाए, उसमें ब्रेकेज कम रहेगा। और डैमेज कट्स, जैसे आप सिंथेटिक चलाते हो तो
तो उसमें ज़्यादा डैमेज कट्स का प्रॉब्लम आता है। वो डैमेज कट्स जो है डेली अपना चेक होना चाहिए, वो रिप्लेस हो जाना चाहिए, बफिंग हो जाना चाहिए। और कोई कट्स प्रेस्ड होके एक साइड में दब गया तो वो भी चेंज होना चाहिए। वो अगर रहेगा बार बार उसी जगह ब्रेकेज होता रहेगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कट्स बफिंग भी टाइमली होना चाहिए और प्रेस्ट कट जो है वो सब निकल जाना चाहिए, डेली डेली चेंज हो जाना चाहिए। न्यूमाफिल फैन सेक्शन, न्यूमाफिल फैन सेक्शन जो होता है, अगर आप न्यूमाफिल फैन सेक्शन बराबर नहीं रहेगा, सेक्शन ट्यूब में जैसे धागा टूटता है, अंदर जाएगा नहीं, वो सब रोलर लैपिंग हो जाएगा, रोलर लैपिंग हो जाएगा तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा मशीन। तो न्यूमाफिल फैन का जो सक्शन है बराबर रहना चाहिए, कम रहेगा दिक्कत है, ज़्यादा तो ज़रूरत ही नहीं है, जो स्टैंडर्ड है उतना रखना चाहिए। रिंग ट्रैवलर चेंज, 11वां पॉइंट हो गया रिंग ट्रैवलर चेंज। रिंग ट्रैवलर जो ऐसे अपना लाइफ डिसाइड किए हुए, समझ लीजिए एक 30 काउंट में अपन 6 दिन चलाते हैं या 8 दिन चलाते हैं या 15 काउंट में 3 दिन में चेंज करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड टाइम है, लाइफ टाइम है, उसी हिसाब से चेंज होना चाहिए। ज़्यादा डिले करेंगे तो रिंग ट्रैवलर खा जाएगा, लोड हो जाएगा, फिर ब्रेकेज बढ़ाएगा। और गियर मैचिंग, गियर मैचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सीपी बैक व्हील अपन चेंज करते हैं ना, उसमें कभी कभी टाइट लग जाता है या ढीला हो जाता है, थोड़ा लूज रह जाता है, दोनों ही अपने लिए ख़राब है। तो उसको मैचिंग बराबर रखें तब जाके ब्रेकेज कम रहेगा। और RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रेकेज कंट्रोल के लिए। अगर आप कटन चलाते हो तो सबसे बढ़िया RH 48 से 54% तक रखें, उससे ऊपर भी ख़राब है नीचे भी ख़राब है। अगर सिंथेटिक चलाते हो 42 से 48 तक रखें रिम फ्रेम का RH। उसके अलावा अपन जैसे रिम फ्रेम का ट्रैवर्स है, लैपेट हुक है, लैपेट हुक कोई कटा पुटा नहीं रहना चाहिए। ट्रावर्स भी बराबर 7-8 mm, मतलब रोबिंग गाइड आगे पीछे होना चाहिए ताकि वो एक जगह ना चले, कट्स डैमेज ना हो, अपरन डैमेज ना हो और वो बराबर चलते रहे। ठीक है, आज का सब्जेक्ट यही समाप्त कर रहे हैं और आशा करता हूँ आप मेरा वीडियो देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।